राजमा चावल, क्या बात है। आजकल तो पटना में ब्लॉगर भरे पर हैं। आपका जो अच्छा चीज हमको लगा कि आप एक हिडन जेम को ढूंढने हैं, इस जगह के बारे में हम लोग को भी नहीं पता था। लोगों के साथ अब हेल्दी फूड पहुंच पाएगा बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि हम भी खुद एक बायोलॉजी के छात्र भी हैं। अच्छा। और उस मुताबिक से मतलब न्यूट्रिशियस डाइट बहुत ज्यादा है। ये कोरिएंडर सॉस हो गया, थोड़ा प्याज। सबसे पहले यहाँ पे धन्यवाद करना चाहूँगा मैं अंगल को, जो कि यहाँ पे हमें वक्त दिए हमें वीडियोस बनाने के लिए। यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, लोगों के साथ अब हेल्दी फूड पहुँच पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप खिला भी रहे ना इतना, मतलब सही चीज़ न्यूट्रिशन वाली चीज़ इसमें, आपका पौष्टिक आहार और एक तरह से तो पूरा देखा जाए तो हाइजेनिक है, हर चीज़ ढका हुआ मिलेगा। तो अंकल ने यहाँ पे लॉकडाउन में स्टार्टअप किया था ये पूरा सेटअप, है ना अंकल, याद होगा जैसे आपको। हाँ जी याद। बाउंड्रीज दिन लॉकडाउन में ही आपसे मिले थे। हाँ, सर का भी पहले वीडियो बना चुके हैं और एक बार हम लोगों ने लॉकडाउन के समय बनाया था, मैं खुद, फिर सेकंड बार मैं जायका पटना वाले मयंक भैया के साथ भी आया था। हाँ, आप लोग देख सकते हैं तस्वीर में यहाँ पे। तो ये लगा कि मतलब हिडन जेम्स को ढूंढ रहे हैं, आजकल तो पटना में ब्लॉगर भरे पर हैं। आपका जो अच्छा चीज हमको लगा कि आप एक हिडन जेम को ढूंढने हैं, इस जगह के बारे में हम लोग को भी नहीं पता था और एक साल से फिर भी नहीं पता था। और अभी हम लोगों ने फिर से अंकल का यहाँ पे राजमा चावल का वीडियो बनाना है, इसलिए कि अंकल पहले स्टॉल पे लगाते थे और काफी दिन से मैं इनको ट्राई कर रहा हूँ खोजने के लिए, जहाँ पे वो पहले लगाते थे वहां पे इनका दुकान मुझे मिला नहीं। तो पुराने जो फोन में था इनका नंबर, आज मैंने कॉन्टेक्ट किया सर से और आज ही पता चला कि सर यहाँ पे एक नया अब दुकान ले चुके हैं और बहुत बेहतरीन यहाँ पे सेटअप लगा चुके हैं, जैसा कि आप यहाँ पे सेटअप देख सकते हो। और यहाँ पे काफी बड़ा स्पेस है दुकान का इनका, और बोर्ड भी सर का वहाँ पे लग गया, बोर्ड भी आप लोग देख लोगे। और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा सर से मिलके फिर से हमें तीसरी बार, और यहाँ पे हम लोग फिर से मैं ट्राई करेंगे राजमा चावल इनका और हम लोग बताएंगे टेस्ट कैसा है। अभी के लिए आप देखते रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। अभी आपके पास जो है आइटम्स थोड़ा दिखा दीजिएगा। वो एक 100% परफेक्ट और हेल्दी फूड है अभी है। जी ये रहा आपका, ये राइस हो गया। अच्छा, राइस का आप बता रहे थे, कौन सा राइस यूज करते हैं? ये इंडिया गेट का बासमती है। इंडिया गेट का बासमती है। और चावल भी मतलब कोई नॉर्मल चावल नहीं है, मतलब वो जो प्लाव टाइप का इसमें जो आता है ना अरोमा, प्लाव की तरह इसका अरोमा आ रहा है। और राजमा थोड़ा दिखाइएगा सर, ये आप देख लीजिए, ये राजमा। ओ भाई साहब, राजमा चेक करो, ये राजमा है। राजमा का कंसिस्टेंसी देख सकते हो, इसकी जो ग्रेवी है काफी मतलब ठीक है, बिल्कुल आपको ऑथेंटिक मिलेगा। तो अंकल आपका नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम संजय है। तो नए व्यूअर्स हमारे चैनल से जुड़े हैं, उनको अपना एक स्टोरी बता दीजिए कि आपने लॉकडाउन में कब स्टार्ट किया था। ये 2-3 साल पहले शुरू हुआ था। 2-3 साल पहले। वैसे पहले से काफी अच्छा कंडीशन है ना। और काफी बेहतर डेवलपमेंट हुआ है बिजनेस में भी और लोगों के एटीट्यूड में भी। क्या बात है अंकल, हमेशा से ऐसे मतलब बहुत प्यारे हैं और बहुत अच्छे से तहजीब से हम लोग से बात करते हैं, और खिलाने का तरीका भी बहुत इनका अच्छा है। और आप हमेशा इनको देखिएगा मुस्कुराते रहते हैं और बहुत हमारी मतलब ऐसे ही रहे कि अंकल ऐसे ही रहे हमेशा। और जैसा कि हम लोगों ने पहले भी टेस्ट किया था और अभी भी टेस्ट करके आप लोगों को बताएंगे राजमा चावल। सबसे पहले अंकल आप क्या करते थे? उसके पहले हैदराबाद में सर्विस। जी, निम्स मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर मैं पहले काम करता था। जी, उसके बाद यहाँ पटना आकर ऐसा लगा कि कोई अपना सेटअप खोलना था। हाँ हाँ, उसी में मैंने शुरू किया है। राजमा चावल, क्या बात है, इतना अच्छा लगता है ना। जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को सेटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे मिल जाएगा, काफी बड़ा एरिया है यहाँ पे, अंकल यहाँ से खिलाते हैं और यहाँ पे मस्त आपका स्पेस भी है, पूरा आराम से बैठ के सोफे पे भी खा सकते हैं। हमारे साथ एक यहाँ पे एक और कस्टमर अंकल के जुड़े हैं जो कि राजमा चावल एंजॉय कर रहे हैं और हाफ प्लेट खा रहे हैं ना। 40 का है। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ सर? गौरव कुमार। यहाँ पे अंकल का राजमा चावल आप कब से खा रहे हैं? अंकल जब से लगा रहे होंगे उनके यहाँ से सबसे पहले सभी खा रहे हैं, उससे सबसे पहले था सीमेंट वाले के। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल, टेस्ट तो वैसा ही है ना, टेस्ट में एकदम कोई डिफरेंस नहीं। हाँ। और सबसे बड़ी बात है कि हम भी खुद एक बायोलॉजी के छात्र भी हैं। अच्छा। और उस मुताबिक से मतलब न्यूट्रिशियस डाइट बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि इतना धूल गर्दा के सामने हाइजीन को मेंटेन रखना, ये इनके लिए सबसे बड़ी बात है। अगर लोग यहाँ पे आसपास में जो भी हैं, आप आकर के एकदम टेस्ट कर सकते हैं, ये नहीं कि फीडबैक ऐसे ही दिया जा रहा है, आप आकर के एकदम सर देख सकते हैं। सर बायोलॉजी के स्टूडेंट भी हैं और बहुत जल्द डॉक्टर भी बनेंगे, पढ़ाते भी हैं। इसीलिए एकदम न्यूट्रिशन के आधार पे तो बहुत ही अच्छा है और प्लस हाइजीन भी मेंटेन किए हुए हैं टोटल। अब क्या चाहिए, अब सर ने इतना अच्छा रिकमेंडेशन दे दिया है तो बिल्कुल आप लोग आओ। बहुत बहुत शुक्रिया।
तो यहाँ पे हमारे साथ एक और सर जुड़े हैं जो कि यहाँ पे राजमा चावल एंजॉय कर रहे हैं। सर सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? सौरभ कुमार। सर कैसा लग रहा आपको राजमा चावल? बहुत बढ़िया, इनका मिर्चा जो वाला वो सिरका वाला ना, सिरका वाला मस्त है। हाँ, मेरा भी फेवरेट है वो। तीखा लग रहा फिर भी मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। तो ये कब से खा रहे हैं आप? आज हम फर्स्ट टाइम ट्राई किए, सुने थे ना, फिर उसके बाद आज ट्राई करने आए। क्या बात है। अच्छा राजमा चावल कब से खा रहे हैं आप? पहला बार है। फर्स्ट टाइम? एकदम। अच्छा तो आपने खाया है 2-3 बाइट में भी, कैसा लग रहा सर आपको? टेस्ट तो एक नंबर है, है ना, मजा आ गया। चलिए, ऐसा पहले कभी नहीं खाया। ट्राई कीजिए आप भी। बिल्कुल बिल्कुल। और काफी मतलब रीजनेबल प्राइस, एकदम फ्रेंडली पॉकेट बोला जाए तो बजट है। नॉर्मल सा एक छोटा सा ये जो प्लेट है इसमें 400 ग्राम राजमा चावल अटता है। अभी तक मैंने यहाँ पे देखा है कि सभी लोग यहाँ पे हाफ प्लेट ही खा रहे, क्योंकि हाफ प्लेट में इतना आपको 400 ग्राम लगभग मिल जाता है ना, पेट भर जाता है। और दूसरा है कि फुल भी यहाँ पे अंकल रखते हैं, ये है ना, 600 ग्राम का रहता है ये होती है फुल। इसकी प्राइस क्या रहती है? ये 60 रुपए, सिर्फ 60 रुपए का। कोशिश रहता है हर लोगों को हेल्दी फूड खिलाने का। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे लिए एक प्लेट लगा दीजिए ताकि हम भी इंजॉय करें अभी राजमा चावल। सर से पहले सबसे पहले एड्रेस पूछ लेते हैं। सर एड्रेस क्या है यहाँ का? यहाँ संदलपुर है, कुमरार के पास पड़ता है। इसके आगे सेंट पॉल स्कूल है, इसके आगे ट्रांसफार्मर है, उसके नीचे लगा रहे हैं। स्टॉल हमारा लगता है डेली 11 बजे से शाम 8 बजे तक। अंकल लगा दीजिए हमारे लिए प्लेट एक। श्योर। तो चावल देख सकते हो कितने खिले खिले से, अरोमा आ रहा है एकदम पुलाव की तरह। नहीं बिल्कुल, ये तो पुलाव रहता ही है, पुलाव ही रहता है ना। कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर टेस्ट देने का। राजमा आ गया ना भाई, राजमा देख के तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है। राजमा की जो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी है ना जी, काफी ज्यादा ठीक है। और खाने में तो पता चलेगा, खा के बताएंगे अपन। ये कोरिएंडर सॉस हो गया। अच्छा, ये ऑनियन हो गया, ये चिली विनेगर हो गया। अच्छा, सिरके वाली मिर्च है ना? हाँ जी। अच्छा भाई, यहाँ पे 2 प्लेट लग चुकी है। ये ले, ये हमारी लग चुकी है 40 वाली प्लेट। तो हमारे यहाँ पे फाइनली राजमा की प्लेट लग चुकी है, राजमा चावल की। इसका कॉस्ट मात्र 40 रुपए है। और आपका जो ये वजन है ना, पहले वजन बता दूँ, जंगल के हिसाब से 400 ग्राम बिल्कुल है और ज्यादा ही होगा। और अब इसको ना टेस्ट करके बताते हैं कैसा लगता है। ये भाई साहब, पहले थोड़ा मिक्स कर लेता हूँ इसको। ये हमारी जो पहली बाइट है जाने वाली राजमा चावल के साथ। अब तो थोड़ा प्याज पहला बाइट। तो राजमा सबसे, देखो यहाँ पे सीन क्या है ना, राजमा मुंह में जाते ही घुल जा रहा है यार। और जो चावल का जो अरोमा है ना, इनका पुलाव वाला, नॉर्मल चावल नहीं है, पुलाव के जरा एकदम। हाँ भाई, गर्दा बेजोड़ लग रहा भाई, कसम से। मस्त, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आ रहा है स्वाद जो है इसका। लोकेशन तो बता दिया गया अंकल के द्वारा, फिर भी मैं एक बार अपने से बता देता हूँ लोकेशन। संडलपुर है ये लोकेशन, कुमरार संडलपुर। और आप आगे आइएगा, यहाँ पे सेंट पॉल्स हाई स्कूल है, नहीं सेंट पॉल्स स्कूल संडलपुर है, उसके सामने यहाँ पे विश्वकर्मा है, उसके जस्ट नीचे यहाँ पे अंकल का दुकान लगता है, यहाँ पे राजमा चावल का। एक बाइट और लेंगे।